कल्याण बनर्जी के इस व्यवहार का जिक्र राज्यसभा सभापति जगदीश धनखड़ ने सदन के अंदर किया। धनखड़ ने कहा कि गिरावट की कोई हद नहीं, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। बीजेपी ने भी इसे लेकर राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी सांसदों पर तीखा हमला किया। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता, एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं तो यही कह सकता हूं सद्बुद्धि आई, कुछ तो सीमा होती होगी। पार्टी एटीट्यूड इज अगेंस्ट किसान, अगेंस्ट ट्राइबल, अगेंस्ट जाट। बहुत गलत तरीके से आज पार्लियामेंट प्रीमाइसेस पे ड्रामा अनफोल्ड हुआ है सर, तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन गबंडिया अलायंस के जो लोग हैं, आप लोगों को माफी मांगना चाहिए चेयर से। सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम के लिए उस टाइम के राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इन लोगों ने इनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने के लिए गए थे। वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट को अपमानित करने का काम किया, ये सही है क्या? हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। पूरे जाट समाज ने इसकी निंदा की है और यह एक जाट नेता कांग्रेस का बैठा हुआ आपका अपमान होते हुए इन्होंने निंदा नहीं की है। ये कांग्रेस का चेहरा, ये कांग्रेस का जाट चेहरा, ये आम आदमी और कांग्रेस का सही रूप। राजनीति की दूसरी बड़ी खबर इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक से आई है। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक में 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित तमाम नेता शामिल हुए। विपक्षी दलों के इन नेताओं ने करीब 3 घंटे तक 2024 चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन किया। बैठक में 4 बड़े मुद्दों पर बात हुई। पहला मुद्दा, इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। दूसरा, सीट बंटवारे का था। तीसरा, इंडिया गठबंधन की साझा रैलियां। चौथा विषय, संसद में मौजूदा सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर भी बात की गई। इंडिया गठबंधन की बैठक से सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर आई। TV9 भारत पर संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यह देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने का मौका है, मैं ममता दीदी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हालांकि मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर सवाल पूछे गए, तब उन्होंने कहा कि यह मुद्दा चुनाव के बाद देखा जाएगा, पहली प्राथमिकता चुनाव जीतना है, उसके बाद इस मुद्दे को तय कर लेंगे। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। MPs अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है, तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार दोनों के बीच में बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में टाइमिंग और प्लेसमेंट यह भी बड़ा मायने रखता है। आज की बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। तय किया गया कि सीट शेयरिंग को लेकर तुरंत चर्चा शुरू की जाएगी।
सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन फिक्स की गई, यानी सीट बंटवारे का काम अगले 20 दिन में निपटाने का फैसला लिया गया। मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर पहले राज्य स्तर पर बातचीत की जाएगी, अगर राज्यों में बात नहीं बनी तो केंद्रीय स्तर पर मामले को सुलझाया जाएगा। पूरे देश में गठबंधन की 8-10 ज्वाइंट रैलियां करने का फैसला लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन की पहली साझा रैली पटना के गांधी मैदान में हो सकती है। इंडिया गठबंधन जल्द ही बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करेगा। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को विपक्षी दलों के ने बड़े प्रदर्शन का फैसला किया है। बैठक में ईवीएम के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। विपक्षी दल मिलकर इसे चुनाव आयोग के सामने उठाए। जो भी इश्यूज है उसको उठाना है तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ। एक बोल रहा हूँ, पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की। भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ, सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ, चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। यार ये प्रपोज हुआ सर, आप कैसे देखते हैं इसको? कौन प्रपोज किया? ममता जी ने, जानकारी आ रही है ममता जी ने। आपसे ममता जी ने जी को चेहरा यार के लिए। यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में उनको पता नहीं, आपको बताए तो आप ही जवाब दे। प्रस्ताव आया है ममता बनर्जी की तरफ से, रहते प्रस्ताव आते हैं करके, ठीक है नाम अगर आते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर लोगों को अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा या ऐसा कोई प्रस्ताव अगर आता है, लेकिन फिलहाल गठबंधन की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं। अंग्रेजी के एक लाइन, उसे कहते हैं टेस्टिंग द वाटर्स। ममता बनर्जी ने सिर्फ प्रस्ताव नहीं रखा है बल्कि टेस्टिंग द वाटर्स भी शुरू कर दिया है कि आखिर कौन होगा चेहरा, चलो देखते हैं। आज इंडिया गठबंधन की बैठक में मायावती का भी जिक्र हुआ है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने मायावती और कांग्रेस को लेकर सवाल पूछ लिए। रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या वो बीएसपी के संपर्क में है। रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि कांग्रेस अब बीएसपी से भी गठबंधन करना चाहती है, अगर ऐसा है तो ये बात साफ होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि मीडिया में आ रही खबरों को लेकर राय बनाना उचित नहीं है, जिस बात पर हम विचार भी नहीं कर रहे हैं इसके बारे में क्या बात करनी, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी और आरएलडी से है। यानी कि इसमें एक बड़ा ट्विस्ट यह है कि अगर बीएसपी से बात भी करने की कोशिश की गई तो फिर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा,